नमस्कार, मैं हूँ कविता। हेल्दी क्रेविंग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ ऐसे ब्रेकफास्ट और टी टाइम स्नैक की रेसिपी, जिसे बनाने में सिर्फ 10 मिनट का समय लगता है और इसमें यूज़ होने वाली सभी चीज़ें ज़्यादातर घर में अवेलेबल होती हैं। तो हम आज बनाएंगे गर्मा गर्म टेस्टी और क्रिस्पी चिले, जिसे खाकर आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। इन्हें हम बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी रख सकते हैं, बच्चों को भी ये काफ़ी पसंद आएंगे। आप सभी से निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल हेल्दी क्रेविंग्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले चीले के लिए बैटर तैयार करेंगे। उसके लिए लेंगे कोई भी एक बड़ा बाउल, उस पर रखेंगे स्टेनर। अब उसमें डालेंगे हम एक कप बेसन। मेजरमेंट के लिए कोई भी कटोरी या कप सेट करें, उसी के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें लें। आधा कप लेंगे गेहूं का आटा। हम परफेक्ट मेजरमेंट से चीज़ें बनाएंगे तो वो खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। अब इन दोनों चीज़ों को छान लेंगे। छानने से कोई भी गंदगी वगैरह होती है या फिर इसमें लम्स होते हैं वो सारे निकल जाते हैं। अब इन दोनों को मिक्स कर लेंगे और पानी डाल के इसका एक हमें बैटर तैयार करना है। बैटर इसके लिए ना तो हमें ज़्यादा गाढ़ा चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला, इतना बस पतला हो कि हम आसानी से चीला फैला सकें। बैटर बनाने में तकरीबन 1.5 कप पानी का यूज़ हुआ है। देखिए इसकी बैटर की इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इसकी ये परफेक्ट है। अब इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून डाल देंगे नमक, 1/2 टीस्पून डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा लाल मिर्ची पाउडर और 1/4 टीस्पून डालेंगे हींग। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची थोड़ी सी आप इसमें कम डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को मिला लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्ची 2 से 3, अदरक ग्रेट की हुई 1 इंच का टुकड़ा, साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसमें डालेंगे हम अजवाइन। मेरे पास ये अजवाइन के पत्ते हैं क्योंकि मेरे गार्डन में बहुत सारी अजवाइन हो रही है। अगर आपके पास ये वाली अजवाइन नहीं हो तो आप इसमें सिंपल अजवाइन डाल सकते हैं। मैंने इसको चॉपर में चॉप कर लिया है क्योंकि इसे हम अगर हाथ से काट के डालेंगे तो इन चीलों को फैलाने में दिक्कत आएगी। अजवाइन के पत्ते डालने से चीले बहुत ही हेल्दी हो जाते हैं और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा सा इसे फेंट लेंगे। देखिए अब ये हमारा चीले का बैटर तैयार है। मैं आपको इसका एक बार बता देती हूँ कि देखिए इस तरह का घोल होना चाहिए। अब हम चीले बना लेते हैं। चीले बनाने के लिए मैंने ये नॉनस्टिक पैन लिया है। अगर आपके पास इस तरह का पैन नहीं हो तो आपके पास घर में जो सिंपल तवा हो आप उसमें भी बना सकते हैं। एक बार इसे पोंछ लेंगे और फ्लेम को रखेंगे हम लो टू मीडियम और एक कलछी भर के हम इस बैटर को लेंगे और इसे धीरे से देखिए इस तरीके से घुमाएंगे। जिस तरह की हम डोसा फैलाते हैं बिल्कुल हमें उसी तरीके से फैलाना है। कोशिश करेंगे जितना पतला हो सकता है उसको उतना पतला रखेंगे। अब इसे हम सिकने देंगे। देखिए ड्राई हो गया है ऊपर से। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। आप चाहें तो इन्हें बटर में भी सेक सकते हैं। बहुत थोड़ा सा ऑयल लगता है इन्हें सेकने में। अभी बिल्कुल ऊपर से ड्राई हो गया है। अब इसे धीरे से पलट देंगे। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे ये आराम से अच्छे से सेकेंगे। थोड़ा सा इसे प्रेस कर देंगे। अब इसे फिर से पलट देंगे। इन्हें सेकने में सिर्फ 3 से 4 मिनट का समय लगता है। देखिए आप ये कितना क्रिस्पी है, आपको इसी से पता पड़ रहा होगा। लीजिए हमारा ये चीला तैयार हो गया है। अब इसे प्लेट में निकालेंगे। इसी तरीके से हम इस पर दूसरा वाला चीला फैलाएंगे। फ्लेम को रखेंगे लो टू मीडियम। ध्यान रखें अगर फैलाते समय अगर तवा ज़्यादा गर्म लग रहा है आपको तो फ्लेम को बंद कर दें और फिर इसे फैलाएं। उसके बाद में आप दोबारा से गैस को ऑन कर सकते हैं। जब ये ड्राई हो जाएगा इसमें फिर से हम ऑयल लगा देंगे। अब ये आराम से पलट रहा है, इसको पलट देंगे। इसी तरीके से हम इसे सेक लेंगे। लीजिए हमारा ये दूसरा भी चीला तैयार हो गया है। अब इसे भी पलट कर निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम अपने बाकी सभी चीले बनाएंगे। खाने में ये चीले बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप चाहें तो इसमें और वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। लीजिए हमारे ये गर्मा गर्म चीले तैयार हैं।
मैंने इसके साथ में शेजवान चटनी सर्व की, क्योंकि मेरे घर में इसके साथ ये बहुत शौक से खाए जाते हैं। आप इसके साथ में हरी चटनी या फिर टोमेटो केचप भी सर्व कर सकते हैं। इन चीलों को आप एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करें, बनाइए, खाइए और सभी को खिलाइए। आप सभी को मेरी आज की 10 मिनट ब्रेकफास्ट चीले की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल हेल्दी क्रेविंग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।